देखिए अटैक, एक तो पहली बात जवान पर, जो सेल्फलेसली इस मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर वहाँ खड़ा हो जाता है, तो एक तो उसकी पोजीशन ही अलग है। वो हमसे बहुत, वो रियल हीरो जो हम कहते हैं वो रियल हीरो है। उस पर जब इस तरह का कावर्डली अटैक होता है कि छुपके से आके बम से फोड़ा दो, फोड़ दो, जो वो उनके रीज़न होते हैं, वॉक इंटरप्रिटेशन होते हैं आपके लेके आते हैं कि हमारा ये मकसद है, हम ये कर रहे हैं, तो ऐसे वॉक लोग दुनिया भर में भरे हुए हैं। एंड ऑब्वियसली हमारे जवान हैं, हमारे हीरो हैं, हमारे रक्षक हैं, तो हमको तो बिल्कुल यार एक दर्द होगा, लेकिन क्योंकि उनके जो घर वाले उन पर क्या गुजरी होगी, वी अंडरस्टैंड, बिकॉज सब ने कुछ ना कुछ खोया, लेकिन ये सेल्फलेस लोग हैं, ये जानते हैं कि हमारा अंत कहीं ना कहीं इस तरह से होगा, और ये जानते हुए भी ये वहाँ पे खड़े होकर प्रोटेक्ट करते हैं। तो बहुत सलाम सल्यूट उनको, एंड होपफुली अब जो भी लोग हैं रिस्पॉन्सिबल तो उनको तो दे हैव टू पे, बिकॉज दिस इज नॉट वी कांट टेक इट एनीमोर, बहुत हो गया। और कहते हैं नाम भी रखा है जैश मोहम्मद, क्या नाम रख रहे हैं वो, हम भी मुसलमान हैं, यू नो, वी जैश मोहम्मद आर्मी ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद विल चूज वो नाम ही, हु आर दे टू कॉल देमसेल्फ द आर्मी ऑफ मोहम्मद, इस तरह के एक्ट करना कि अब निहत्तों को छुपके से आके बच्चों को, यू नो, तो बूढ़ों को, जवानों को, किस तरह, दिस इज नॉट द एक्ट ऑफ सो कॉल्ड ए रिलीजियस ग्रुप और किसी भी, कोई भी रिलीजियस, कोई भी टेररिस्ट, सिंपल एज दैट, दिस इज इट इज वी क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही दर्दनाक बात है। और ऐसे लोगों को हमारी आर्मी अब चल रही है, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी आर्मी जाकर उनको निकालेगी, पकड़ेगी, और जो करना है जहाँ भी, एंड दिस एंड वर्ल्ड का सपोर्ट है कि देखिए सम ये ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप्स रिकग्नाइज कर दिए गए हैं, लेबल्ड कर दिए गए कि टेररिस्ट ग्रुप है, तो अब क्या कॉम्प्लिकेशन है कि हम इनको निकाल नहीं पा रहे हैं, जहाँ भी बैठे हों, या पाकिस्तान में बैठे हैं, या अफगानिस्तान में बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, दे शुड बी किक्ड आउट, as simple as that, and they should be punished for what they've done, as simple as that. Thank you so much. Thank you. Visual okay?